दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार और मोस्ट स्टाइलिश स्टार माने जाने वाले अल्लू अर्जुन अब सिर्फ साउथ के सुपरस्टार नहीं बल्कि पूरी इंडिया के सुपरस्टार बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी मूवी पुष्पा पूरे इंडिया में रिलीज के पहले ही दिन 71 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। दोस्तों, बॉलीवुड के किसी भी मेगा स्टार ने भी इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं दिलाई है। दोस्तों, क्या आपने पुष्पा मूवी देख ली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं, मार्शल आर्ट के इस खेल की दो खूबियां उनमें खूब दिखती है। एक है छल और दूसरा है आक्रामकता, जिसने रूस को आज चरम पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है अगला सुपर पावर देश कौन सा बनेगा, रूस, अमेरिका या चीन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले फोन पर हेलो ही क्यों कहा जाता है? हम चाहे फोन रिसीव करें या किसी को कॉल करें, सबसे पहले कहते हैं हेलो। हम इसी शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर ये कहा जाए यह किसी का नाम है तो आप सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह नाम है महान वैज्ञानिक ग्राम बेल की गर्लफ्रेंड का, जिनका पूरा नाम है मार्गरेट हेलो। ग्राम बेल उन्हें प्यार से हेलो कहते थे। आप जानती हैं कि ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था और वह जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते तो हेलो कहते थे। तब से यह शब्द प्रचलित हो गया। दोस्तों, इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। दोस्तों, दूल्हे दुल्हन को क्यों लगाई जाती है मेहंदी? इसका वैज्ञानिक कारण है, शादी के समय दूल्हे दुल्हन में घबराहट है, ऐसे में मेहंदी जो ठंडक का काम करती है जब बॉडी पर रचाई जाती है तो इससे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी वजह से हाथ और पैर में मेहंदी लगाई जाती है। इसके अलावा मेहंदी को प्यार की निशानी भी माना जाता है कि मेहंदी का रंग जितना लाल होता है कपल के बीच उतने ही ज्यादा प्यार बढ़ता है। साथ ही शादी के जितने लंबे समय तक रंग चढ़ा रहे कपल के लिए उतना ही भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। दोस्तों, शाहरुख खान और गौरी खान ने एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार शादी की है। सबसे पहले उन्होंने 26 अगस्त 1951 को रजिस्टर मैरिज की, उसके बाद निकाह किया और आखिर में हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर 7 फेरे लिए। दोस्तों, इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोगों को छोटी से छोटी आवाज़ सुनने से उन्हें गुस्सा आ जाता है, जैसे जोर से सांस लेना, चबा चबा कर खाना खाना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है मिसोफोनिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या आपको पता है 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध विश्व युद्ध करा सकता था? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, यूके, जॉर्डन, ईरान जैसे कई देशों ने अपने अपने जहाजों को भारत की ओर रवाना कर दिया था। उस वक्त भारत की मदद के लिए आ गया सिर्फ एक देश, रशिया। रशिया ने सभी लड़ाकू जहाज और सबमरीन भारत की ओर तेजी से भेजे। अमेरिका भारत पर किसी भी वक्त हमला कर सकता था। उस वक्त रूस की मिसाइल की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर ही थी। इसी कारण रिस्क लेते हुए भी रूस अपने जहाज दुश्मन के काफी करीब ले गया, इससे दुश्मन उनकी रेंज में आ जाए। रूस के कमांडर ने सबमरीन को ऊपर आने का आदेश दिया जिससे अमेरिका उनको देख सके। रूस ने अमेरिका को रेडियो अलर्ट भी भेजा, अगर भारत पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी रूस की न्यूक्लियर सबमरीन पानी के बाहर आ गई। उनको देखते ही अमेरिका मुड़ा और अमेरिका को मुड़ते देख यूके, जॉर्डन, ईरान की शिप भी वापस मुड़ गए और इस तरह रशिया ने अकेले होते हुए भी भारत को इतने सारे देशों से बचा लिया। दोस्तों, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो एक बाघ के नाम है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 20वीं सदी के अंत में एक अकेले बाघ ने नेपाल और भारत के कुमाऊं क्षेत्र में अनुमानित 436 लोगों को मार डाला था। उसके हमलों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सूचीबद्ध किया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।